ब्लॉक जलीलपुर स्थित जन सेवा केंद्र दुकान चलने वाले व्यक्ति के मोबाइल के पे नियरबाय एप्लीकेशन खाते से हैकर ने उड़ाए हजारों रुपए। पीड़ित दुकानदार ने थाना चांदपुर पुलिस को तहरीर देकर खाते से निकले गए पैसों का पता लगाकर वापस कराए जाने की मांग की है। कुतुबपुर गांववाड़ी निवासी हिमांशु शर्मा पुत्र वीरेंद्र शर्मा जलीलपुर ब्लॉक स्थित पंजाब नेशनल बैंक की बराबर में जन सेवा केंद्र चलाता है और आधार कार्ड से पे नियरबाय एप्लीकेशन द्वारा पैसे निकाले जाने का कार्य भी करता है। हिमांशु शर्मा का आरोप है कि 5 नवंबर को मेरे पे नियरबाय मोबाइल एप्लीकेशन खाते में 41,995 मौजूद थे और 8 नवंबर को मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे एप्लीकेशन खाते में सिर्फ 42 रुपए दिख रहा था। मैंने अपने एप्लीकेशन खाते की जानकारी की तो पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे एप्लीकेशन खाता से पैसे निकाल लिए गए हैं। इतना सुनते ही मेरे होश उड़ गए। हैकर के द्वारा 3 दिन पहले मोबाइल पर एक लिंक सेंड किया गया था जिससे मेरे नंबर पर जो भी टेक्स्ट मैसेज आ रहा था वह हैकर के पास अपने आप ही फॉरवर्ड हो रहा था, जिसकी वजह से जो ओटीपी फोन पर आए वह हैकर के पास अपने आप ही चले गए। मैंने इसकी शिकायत थाना चांदपुर पुलिस से की है। पीड़ित दुकानदार हिमांशु शर्मा ने चांदपुर पुलिस से ठगे गए पैसों का पता लगाकर वापस कराए जाने की मांग की है। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम आपका, कहां के निवासी? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, मैं जलीलपुर ब्लॉक का निवासी हूँ। पंजाब नेशनल बैंक के पास मेरी जन सेवा केंद्र की दुकान है, आधार ट्रांजेक्शन का काम है। क्या वारदात हुई आपके साथ? मैं एक पे नियरबाय कंपनी है, उसकी एप्लीकेशन से आधार ट्रांजेक्शन का काम करता हूँ। यह कंपनी एपीएस लोगों को अंगूठे से पैसा निकालने का, मनी ट्रांसफर का, LIC किस्त जमा करने का, बिजली का बिल जमा करने का, पैन कार्ड बनाने का, ये सब काम करती है। मैं इसके द्वारा करीब 2 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी इस एप्लीकेशन में 42,442 रुपये समथिंग थे। मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें 5 तारीख को 500 रुपये की थी। उसके बाद मैंने इससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। 7 तारीख में मेरे पास OTP आए, लेकिन मैंने OTP अपने किसी से कोई शेयर नहीं किए। उसके बाद 8 तारीख में जब सुबह को मेरे पास कस्टमर आता है कि मुझे 2,000 रुपये निकालने हैं, मैंने अपना एप्लीकेशन खोली तो मुझे पता चला कि मेरा पासवर्ड बदल दिया गया है। मैंने पासवर्ड रिसेट करके चेक किया तो उसके अंदर सिर्फ 42 रुपये थे, 42,400 रुपये एप्लीकेशन से गायब थे। मैंने उसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि गोरखपुर के खाते में 41,995 रुपये गए हैं, क्योंकि 400 रुपये IMPS का चार्ज लगता है, उसमें IFT कोड भी है, उसका सेंडर का मोबाइल नंबर भी है और खाता धारक का अकाउंट नंबर भी है। तो आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, मैंने थाना चांदपुर में जाके कल इसकी तहरीर दी थी। उन्होंने मुझे एक स्लिप काट के दी है और बिजनौर जो साइबर सेल है मैं उसमें भी गया था, वहाँ पे भी जाके मैंने इसकी कंप्लेन दर्ज कराई। क्या चाहते हैं? और मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें कार्रवाई हो और जितने ये सेल है मैं उसमें भी गया था, वहाँ पे भी जाके मैंने इसकी कंप्लेन दर्ज कराई। क्या चाहते हैं? और मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें कार्रवाई हो और जितने ये सब काम किया है, मेरी एप्लीकेशन को हैक करके पैसे निकाला है, वो जेल जाए और मेरा पैसा मुझे वापस मिले।